हाय गाइस, वेलकम टू आज का वीडियो। तो देखो, अभी तक हम लोगों ने ये तो सीख लिया कि एक कॉइन के ऊपर रिसर्च कैसे करनी है, ठीक है। लेकिन भैया, वो कॉइन कौन सा होगा जिस पर रिसर्च करनी है, वो भी तो हमें देखना है। ऐसे थोड़ी कि हर कॉइन पर रिसर्च करते बैठे तो सुबह हो जाएगी और हमें तो रात में ही पैसा कमा लेना है। तो इसलिए ऐसा करते हैं कि लेट्स सी कि कॉइन, मतलब जिसके बारे में रिसर्च करनी है, वैसे पोटेंशियल कॉइन कहाँ से पता करें। देखो, हमारी दो मेन वेबसाइट है, वो है कॉइन मार्केट कैप और दूसरा है ये वाला। कौन सा? ये वाला बोले तो कॉइन गेको, ठीक। अब कॉइन मार्केट कैप पे आप यहाँ आएंगे तो सबसे पहला जो प्रोसेस होगा, मतलब प्रोसेस फॉर, मैं आपको टोटल 5 मेथड्स बताऊँगा, जिसमें से सबसे पहला है कि जैसे आप खोलें, ये खोलते ही आपको यहाँ पर लिस्ट दिख गई। तो आप ऐसे स्क्रॉल डाउन कर रहे हैं तो बिटकॉइन के बारे में आपको पता है, इथेरियम के बारे में पता है, USDT, BNB, सोलाना, इन सब के बारे में आपको पता है। ऐसे स्क्रॉल कर रहे हैं, स्क्रॉल कर रहे हैं, स्क्रॉल कर रहे हैं। मान लीजिए आप ऐसे आए सडनली और आपको लगा ये क्या है, ठीक है, इसके बारे में आपको नहीं पता। तो आपने इस पर क्लिक किया, ये आपको थोड़ा इंटरेस्टिंग लगा, ठीक। तो इससे आप रिसर्च कर सकते हैं। ये तो बहुत ही बेसिक मेथड हुआ। मतलब तुम बोलोगे गुरु अभी यही सीखना था तो तुम्हारा चैनल काहे देख रहे हैं, ठीक है। तो देखो अभी आगे बताते हैं, ठीक। अब यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे जो दूसरा होता है वो होता है ट्रेंडिंग, ठीक। ट्रेंडिंग का मतलब ये है कि इस पर्टिकुलर वेबसाइट पे, मतलब जो कि है कॉइन मार्केट का है, ठीक, इस पर्टिकुलर वेबसाइट पे आप अगर देखेंगे तो जो सबसे ज़्यादा रिसर्च हुई है, मतलब वो कॉइन्स यहाँ पे दिखाता है। तो ये सब कॉइन्स हो गए। अब इनका मार्केट कैप, ये मार्केट कैप देखिए तो इसका तो 1 बिलियन पहुँच गया है, इसका 80 मिलियन ही है, ठीक है। तो ये अभी स्मॉल कैप है और इसका ट्रेडिंग वॉल्यूम भी 5 मिलियन है। तो ये एक पोटेंशियल हो सकता है, ठीक है। ये सेल्फ रिपोर्टिंग मार्केट सप्लाई इसका बहुत ज़्यादा ऐसे थे बिटकॉइन खुद है, ठीक है। रईफ, ये सब तो आप एक यहाँ से दे सकते हैं। तो जो सबसे ज़्यादा है एथीना, ठीक है। अगर आप इस पर देखेंगे तो ये इथेरियम पे है, उसके बाद ये अचका की है जो इतना वह है, 1.111 से 1.3 पहुँची है। चलो, बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन हाँ ठीक। ऑल टाइम हाई 134, 11 मिनट पहले, देख रहा गुरु एकदम। और ऑल टाइम लो 6 दिन पहले, तो 6 दिन में कितना, आप समझ रहे हो कि वो इतना हाई पॉपुलर हाई ट्रेंडिंग चल रहा है, क्योंकि 6 दिन के अंदर इसने 154 नहीं और ज़्यादा को बताते हैं गुमन। अच्छा, हिस्टोरिकल डाटा खुल गया, नहीं मतलब नहीं हिस्टोरिकल डाटा से, वो कुछ और समझा रहे थे ना, ठीक है। तो इसने कितने दिन के अंदर, 6 दिन के अंदर क्या किया है, 1.34 डिवाइडेड बाई 0.5275, ठीक है, 2 गुना, 2.5 गुना, मतलब 250% का रिटर्न दिया है, 250%। अभी थोड़ा सा कम हुआ है करके, वन मंथ का ये लोग भी डाल दो तो उतना ही हो रहा, ठीक है। तो इसने 6 दिन के अंदर 250% का रिटर्न दिया, तुम समझ रहे हो, 6 दिन के अंदर 250% का रिटर्न। तो इसलिए ये अभी ट्रेंडिंग पे चल रहा है। इसकी वेबसाइट पे अभी जाके आप देख सकते हो कि क्या है कैसे है। तो ऐसे मतलब देखो, अभी हमने पहला ही कॉइन देखा और उसमें इतना अच्छा समझ में आया हमें, ठीक है। अब हम पीछे जाते हैं, ट्रेंडिंग पे थे ना, ट्रेंडिंग पे फिर से चलते हैं, ठीक। तो ये हो गया, एक मेथड ये हो गया जहाँ से आपको ये समझ में आ रहा है कि कौन कौन से टाइमिंग। अब वायरेक्स टोकन देखते हैं, ठीक है। वायरेक्स टोकन ये भी अच्छा किया है, रुको उसका पहले यहाँ देखो, यहाँ अच्छा, ये तो 4 साल पहले ऑल टाइम हाई पे था, तो अभी ये कम पे है, तो इतना खास नहीं, चलो ठीक। तो अभी एक ये हो गया। तो सबसे पहले क्या हुआ कि आप रैंकिंग के हिसाब से देखते जाए, दूसरा क्या हुआ कि आप ट्रेंडिंग पे देखें, तीसरा आते हैं रिसेंटली एडेड पे। रिसेंटली एडेड में एक एडवांटेज होता है कि इसको ज़्यादा लोगों को पता नहीं है, तो ये अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन आजकल ना देख रहे हो खाली मीम कॉइन भरे हैं इधर, तो आपको अगर मीम कॉइन में इंटरेस्ट है तो ऑब्वियसली यू कैन गो अहेड, ठीक है। नहीं तो आप मतलब देखो, ऑब्जर्व करो
कि कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, ठीक। अब देख लो उसमें से जो चाहिए। तो एक मतलब मेरा मतलब ये है कि आज आप सिर्फ ये सीखेंगे कि कौन कौन से जगह से आप ऐसे कॉइन निकाल सकते हैं जिनके बारे में आप रिसर्च करें। जैसे हमने इथिना निकाला था, तो इसके बारे में आप यहाँ से रिसर्च शुरू कर सकते हैं। अब बैक्ड बाई बाइनेंस लैब, ये है OKX वेंचर्स, ठीक है। तो बड़े बड़े नाम है, इसीलिए इतना अच्छा परफॉर्म कर रहा है। इथिना क्या मस्त हिट हुआ है, ठीक है। तो एक ये हो गया। अब आते हैं अपने नेक्स्ट जुगाड़ पे। हाँ, एक और चीज, हम जैसे आप ये कॉइन गेको पे भी सेम चीजें कर सकते हैं, जैसे न्यू क्रिप्टो करेंसीज, ठीक है, गेनर्स एंड लूजर्स। अब आते हैं एक चेन्स पे। यहाँ पे एक और ऑप्शन अच्छा सा दिया गया है, चेन्स। मान लीजिए अब आपको इथेरियम चेन पे देखना है कि एक, जैसे मान लीजिए आपके वॉलेट में सिर्फ इथेरियम है, तो आप ऑब्वियस सी बात है कि इथेरियम चेन पे ही बनने वाले कॉइन पे ज्यादा प्रेफर करेंगे उस पे इन्वेस्ट करना। तो बाइनेंस, ये ट्रॉन, तो लेट्स से बाइनेंस, ठीक है। हम बाइनेंस के पास कौन कौन से कॉइन अच्छा कर रहे हैं, तो ये इसका बात ही नहीं है। ये वाला बढ़िया कर रहा है, ये वाला बढ़िया कर रहा है, क्योंकि 41 पे है, ये 9 पे है, ठीक है। इनका ट्रेडिंग वॉल्यूम 2 बिलियन है 24 घंटे में, समझ रहे हो, बहुत पैसा। तो उस हिसाब से तो आप ये एक और कर सकते हैं। चौथा वो है कि आप यहाँ पे आके चेन वाइज, अभी ये इससे मन भर गया तो आप किसी और पे चले जाए, किस पे जाएंगे? नहीं, इस पे नहीं जाएंगे, पॉलीगॉन पे जाते हैं, पॉलीगॉन पे, ठीक है। ये सब पॉलीगॉन पॉज की चेन, उस पे ये रैप बीएनबी, ये सब, तो मतलब बहुत सारी चीजें हैं, तो आप कॉइन वाइज कर सकते हैं। तो अभी तक हमने क्या क्या कवर किया? अभी तक हमने किया कि पहले तो आप रैंक वाइज ऑब्जर्व करें, ठीक है, उसके बाद आप ट्रेंडिंग ऑब्जर्व करें, उसके बाद आप न्यूली एडेड या न्यू क्रिप्टो करेंसीज ट्राई करें, उसके बाद आप चेन वाइज जाए कि ये चेन पे ये है, ये चेन पे ये है। फिर आते हैं हम चौथी जगह, वो है ट्विटर, ठीक है। अरे यहाँ नहीं खुलेगा, हम नई जगह खोलेंगे भी नहीं, ठीक है। तो ट्विटर पे जो ट्रेंडिंग चीजें होती हैं वहां पे आप जा सकते हो, ठीक। फिर मैं तुम्हें एक थोड़ा सा सीक्रेट बताता हूँ जो मैं पर्सनली यूज करता हूँ। देखो आपके में एक चीज बात मतलब एक चीज समझने में दिमाग लगाई है, वो ये है कि जो कॉइन मार्केट कैप पे आ चुके हैं, ठीक है, या जो कॉइन कॉइन गेको पे आ चुके हैं, ये कहीं ना कहीं ऑलरेडी मतलब अच्छा कर रहे हैं, इनको तो हर कोई देख रहा है। जैसे ऐसा थोड़ी है कि हम ही लोग रिसेंटली एडिट पे जाएंगे। हाँ, जो जो मतलब कुछ लोग हैं जो सिर्फ रैंकिंग देख के ही चले जाते हैं, तो उनसे हम बेटर होंगे क्योंकि हम रिसेंटली एडिट पे जाएंगे। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी तो हैं जो रिसेंटली एडिट पे जाते हैं, तो उसके लिए ना हमें इससे भी पीछे जाके एडवांस रिसर्च करनी पड़ेगी। तो वो हम कहाँ से करेंगे? वो हम करेंगे गूगल ट्रेंड से, ठीक है। गूगल ट्रेंड खोले, ये खोल लिए, खुल जाएगा वो। हाँ, ठीक है। अब हम यहाँ पे आए, हमने सबसे पहले क्रिप्टो टाइप किया। क्यों? क्योंकि क्या होगा कि जो मोस्ट ऑफ द सर्च होगी वो ऐसे तो होगी ना कि बेस्ट, ये बेस्ट नहीं होगा, ऐसे मान लीजिए कि XYZ क्रिप्टो, ये क्रिप्टो, वो क्रिप्टो, चलो देखते हैं। तो ये हुआ इंटरेस्ट। हमने इसको वर्ल्ड वाइड क्यों किया? क्योंकि देखो इंडिया, सिर्फ इंडिया करने से फायदा नहीं है, क्योंकि अगर पैसा कमाना है तो दुनिया के साथ चलना पड़ेगा। ये कौन सा बाउंड टेरिटरी रिस्ट्रिक्टेड मनी है, तो ये इस सबसे हमें मतलब नहीं कौन ज्यादा क्या सर्च कर रहा है, खाली यहाँ पे आ सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, 5 डे नहीं, हम कर देते हैं जैसे 7 डेज, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आप सागा क्रिप्टो, ठीक, देखते हैं सागा क्रिप्टो क्या है। सागा क्रिप्टो, ओके, सागा क्रिप्टो कोई क्रिप्टो करेंसी है, इस पर क्लिक करते हैं। कुछ खास न्यूज नहीं है, तो कुछ भी नहीं है अभी, बहुत बहुत ही बेसिक चीजें हैं, कुछ खास नहीं है इसमें, चलो इसको छोड़ देते हैं, इससे मन नहीं मिला। SPCT क्रिप्टो, SPCT क्रिप्टो, ओके, तो ये अभी डेक्स पेयर है, ठीक है।
इसकी वैल्यू ये है, ये 4 नंबर पे ट्रेंड कर रही है, नॉट वेरीफाइड। ओके, तो ये डेक्स से प्रोवाइड होने का मतलब होता है कि जब लिक्विडिटी ऐड होती है, ठीक है, उस दिन मैंने दिखाया था आप लोगों को पैनकेक्स ऐप पे जाके कि हम साथ के नीचे लिक्विडिटी ऐड करते हैं, ठीक है। तो जब लिक्विडिटी ऐड होती है तो इन लोगों, ये लोग डायरेक्ट अपने API यूज करके वहां से वो पेयर मंगा लेते हैं। तो अगर आप रैब ETH मतलब रैब इथेरियम यूज करेंगे, ठीक है, तो आप SBCT खरीद सकते हैं। अब ये जो है ये ट्रेंडिंग 4 पे है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, हैज बीन क्रिएटेड ऑटोमेटिकली यूजिंग ऑन चेन डेटा। तो इसका मतलब ये होता है कि इसका मतलब ये नहीं है कि ये कोई फ्रॉड है, इसका मतलब ये है कि ये जो बना है, ये जो पेज बना है, ये जो चीज बनी है, ठीक है, ये ऑटोमेटिकली बनी है। इसको कॉइन मार्केट कैप वालों ने अपने एंड से नहीं बनाया है। और ये ऑटोमेटिकली कैसे बनी है, जैसे ही ये जो क्रिप्टो करेंसी है ये वाली, ठीक है, जैसे ही ये क्या बोलते हैं ऐड हुई, एक इसकी लिक्विडिटी क्रिएट हुई, वैसे ही ये यहाँ पे ये पेज बन गया। तो अगर आप देखें तो टोटल लिक्विडिटी जो है इसकी वो है 2 मिलियन, समझ रहे हो, 2 मिलियन। हाँ, उसके बाद तो वॉल्यूम जो पिछले 24 घंटे में ट्रेड किया गया है वो है 7 मिलियन, ठीक। अब अगर आप नीचे रहेंगे, अभी ये 0.0345 पे चल रहा है, ठीक। अभी होल्डर्स 8822 कॉन्टैक्ट वेरीफाइड है, हनीपॉट इस ये सब ठीक है। बाई सेल, अच्छा बाई टैक्स लगाया है इन्होंने, सेल टैक्स लगाया है, ठीक है। और उसके बाद अगर आप देखें प्राइस परफॉर्मेंस, ठीक है, ऑल टाइम लो एंड हाई, और 24 घंटे लोन में है, चाहते 24 घंटे से पुराना है, तो ऑल टाइम लो 0.1106 और ये ऑल टाइम हाई है। हम देखते हैं कि ऑल टाइम लो और ऑल टाइम हाई में डिफरेंस क्या था, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा साइड कर देते हैं, 0.03743, ठीक, 0.01106, तो 3.3 गुना रिटर्न दिया है, ये ऑलरेडी दे चुका है, ठीक है। 24 घंटे में इतना ये डब्ल्यू या रैब ETH ये हुआ है, ट्रेड हुआ है। टोटल सप्लाई 1 बिलियन है, जिसमें से पूर्ण SPCT है 29 मिलियन, बहुत ज़्यादा कम हो गया यार। खैर कोई बात नहीं, पूल्ड अच्छा पूल्ड डब्ल्यू इथेरियम मतलब 276.81 इथेरियम लगाया है इन्होंने। तो अगर आज की ईथ की प्राइस देखें, इसमें कितना था, 277, तो इन्होंने इतना लगाया है, समझ लो कितना इतना, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, ठीक, करोड़ ही है, 8 करोड़ 3 लाख रुपए, सॉरी 8 करोड़ 36 लाख रुपए इन्होंने इसका पूल बनाया है। अब पूल क्या होता है, लिक्विडिटी क्या होती है, वो हम किसी और दिन समझेंगे, आप मतलब अभी के लिए ये समझ लीजिए कि इन्होंने 8 करोड़ 36 लाख रुपए सिर्फ इतने कॉइन के लिए लगाए थे, इतने कॉइन के लिए, ठीक है, इतने कॉइन के लिए 8 करोड़ 36 लाख रुपए लगाए हैं, और 4 दिन पहले ये लॉन्च हुआ है। अब इसका और भी कुछ अगर मिले हम लोगों को तो देख सकते हैं, और तो कुछ है नहीं, ये चीज़ें देख सकते हैं, यहाँ से जाके चीज़ें पता चल जाएंगी, ठीक है। डेट स्कैन इमिट, डेट स्कैन इथर स्कैम खुल गया, तो जैसे BNB का तो है स्कैन है, वैसे ये स्कैम है, ये सब आज ठीक है। ये कॉन्ट्रैक्ट था म्यूनिस्वैप एंड क्यों चल रहा है भाई, हाँ
ये हमें उस जो कॉइन था स्पेक्ट्रा चेन ही था। हाँ स्पेक्ट्रा चेन, ठीक है स्पेक्ट्रा चेन, उसका वो मिल गया। तो टोटल हो इसमें देखो, इसमें सारी चीज़ें सही सही बताएं। तो ये ERC-20 पे है, यानी इथेरियम के 20 पार्ट उस पर है, ठीक है। टोटल 91,100 वो है, टोटल सप्लाई ये है, ठीक है। बैलेंस इतना है, और इसके बाद आप देख लो पिछले 36 सेकेंड्स वाले 30, ये सब उनका ट्रांजेक्शन है, ठीक है। तो हाँ चलो ये सब समझ में आया। बाकी वेबसाइट अगर इन्होंने मेंशन की है कि नहीं की है, ठीक है, वेबसाइट वगैरह नहीं मेंशन की है। तो ये जो एक है SPCT, ठीक है। तो ये तो हमने देख लिया, अब हम देखते हैं SPCT जो टोकन है। SPCT टोकन, अच्छा ये उसकी शायद वेबसाइट नहीं है, कॉइन कार की वेबसाइट है। तो इन्होंने इसकी वेबसाइट नहीं है। SPCT 0.355 कितना, ये वही है क्या? कि हाँ 3.55 है, तो वही मैक्सिमम सप्लाई टोटल सप्लाई। चलो तो ये एक कॉइन है, अभी हम क्रिप्टो पे ही बात कर रहे हैं, हम कहीं और चले गए थे, ठीक है। तो ऐसे ऐसे आप नई क्रिप्टो करेंसी देख सकते हैं, जैसे ये SPCT आपको डायरेक्टली यहाँ नहीं मिलेगी, ठीक है। SPCT वहाँ नहीं मिलेगी, ये डेक्स पेयर है, ठीक है। ये वही, ये यही खोल देगा, यही पेज खोल देगा, तो ये डायरेक्ट नहीं मिलेगा। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं SPCT, यहाँ पे भी नहीं है, यही है क्या? और शायद यही SPCT, हाँ। तो इस पे है, देखिए कुछ करेंसी इस पे नहीं, इस पे डायरेक्ट नहीं मिल रहा। इस पे आप खोलेंगे तो आपको फिर वही पेज मिल जाएगा, लेकिन इस पे है, ठीक। इसमें वेबसाइट भी होपफुली मेंशन दो, हाँ अच्छा वेबसाइट मिल गई, ठीक है। तो आप इधर जाके वेबसाइट पे चीजें देख सकते हैं। चलो अब वेबसाइट पर नहीं जाएंगे। अब दूसरा, यहाँ पे ये सिर्फ क्रिप्टो क्रिप्टो एक टर्म लिखने से हमें कितना फायदा हुआ देखो, ठीक है। अभी क्रिप्टो के बाद हम यहाँ पे कॉइन भी लिख सकते हैं, क्योंकि देखो कोई कोई ये गूगल ट्रेंड्स क्या करता है, गूगल ट्रेंड्स वो करता है जो वर्ल्ड वाइड चीजें सर्च हो रही है उसके बारे में हमें बताता है कि कौन सा सर्च हो रहा है। तो हमने जब पहला वर्ड डाला अपना क्रिप्टो, तो वो दिखा रहा था क्रिप्टो के साथ साथ क्या क्या ट्रेंड कर रहा है। अभी जैसे कॉइन डालेंगे तो कोई भी बंदा अगर कॉइन डाल रहा है तो वो डालेगा XYZ कॉइन, ठीक है। तो वो कॉइन के साथ क्या डाल रहा है वो हमें पता चल जाएगा, ठीक है। अब जैसे सागा कॉइन, ठीक, अब चलो सागा कॉइन देखते हैं। सागा कॉइन, चलो सागा कॉइन भी आ गया ऊपर, इसकी वेबसाइट भी आ गई, ठीक। तो अगर आप ये देखेंगे तो इसके बारे में कुछ खास नहीं है इधर, तो आप अगर चाहे तो जैसे मैंने पहले रिसर्च किया वैसे कर सकते। तो एक सागा कॉइन डाल के आप चीज़ें यहाँ से निकाल लिए, सागा कॉइन, डब्ल्यू कॉइन, ASR, ठीक है, ये सब कर लिए। अभी क्रिप्टो हो गया, सागा कॉइन होगा। एक और चीज़ें जो डाल सकते हैं वो है टोकन, ठीक है। टोकन डालें आप, वो एडवाइस 5-7 दिन ऑल कैटेगरी वेब सर्च, वेब सर्च की जगह आप यूट्यूब सर्च भी कर सकते हो, हिमेज सर्च, गूगल सर्च भी कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे बहुत सारी मियाओ टोकन, ठीक है, मोई आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस, ठीक है, 420-69 असली नंबर, लेकिन चलो हाँ। उसके बाद MOPW क्या था वो, टोकन ये देखते, ठीक है। इसका लाइव चार्ट है, ये है, ये मीम कॉइन है, कौन सी उस पे है, कार्डानो पे है शायद, ठीक है। बेस, अच्छा बेस पे है, ठीक है, मीम कॉइन है। तो ये एक नया कॉइन मिल गया। तो इस हिसाब से आप कॉइन चूज कर सकते हैं, जैसे हम लोगों को स्पेक्ट्रा में। अब ये एक बार हमारी आंख पे लग गया, अब इसके बारे में रिसर्च करना है। रिसर्च कैसे करना है ये हम ऑलरेडी पहले ही सीख चुके हैं, तो कॉइन पे रिसर्च कैसे करना है ये सीख चुके हैं। आज के वीडियो में हमने देखा कि हम एक कॉइन को पकड़ते कैसे, किस मतलब भाई एक बंदे पे रिसर्च करना है लेकिन किस बंदे पे करना है, किस कॉइन पे करना है, वो आज हमने देखा। तो इस हिसाब से आप रिसर्च शुरू कीजिए,
और जब आपको ऐसा एक दो कॉइन आपको मिल जाए उसके बाद उसके ऊपर हमने तो पुरानी बार मतलब पिछले वीडियो में जो हमारी रिसर्च की वीडियो है उसमें जो प्रोसेस बताया था रिसर्च करने का वो प्रोसेस कीजिए, अगर सब कुछ सही लगे तब उस पर इन्वेस्टमेंट कीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।